गाइस, अभी के टाइम फ्लिपकार्ट के बारे में किसी को पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। गाइस, फ्लिपकार्ट ने काफ़ी टाइम पहले एक सर्विस जो है लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था फ्लिपकार्ट पे लेटर, और वहां पे आपको अप टू 6000 रुपीज़ का बोनस क्रेडिट देखने को मिल जाता था, जिसकी मदद से आप बड़े ही आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते थे फ्लिपकार्ट में। और उस पे लेटर को एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले प्लस मेंबर होना पड़ता था फ्लिपकार्ट में, और तभी जाके आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिव करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और आप जब भी कोई भी शॉपिंग करोगे उसके नेक्स्ट मंथ के 10 को आपको जो है बिल जेनरेट होगा, और उस बिल को आप बड़े ही आराम से पेमेंट वगैरह कर सकते थे। गाइस, ये जो सर्विस था ये सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर के लिए अवेलेबल था, बट अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट में एक ऐसा सर्विस और ऐसा टर्म एंड कंडीशन को चेंज किया गया है जिसके बाद में आप फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबर नहीं भी हो तो भी आप फ्लिपकार्ट में पे लेटर सर्विस को जो है एक्टिव करके जो बोनस क्रेडिट है उसको ले सकते हो और वहां पे बड़े आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। गाइस, आपके पास में कोई भी एंड्रॉयड फोन हो चाहे iOS फोन हो, कैसे आपको फ्लिपकार्ट का पे लेटर सर्विस जो है एक्टिव करना है इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का इस धमाकेदार वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट को जो है लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दीजिए, फिर उसके बाद में जैसे ही आप यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे आपको यहां पे स्मार्ट पेमेंट ऑफर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पे आपको करना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे पे लेटर सर्विस को जो है एक्टिव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे आपको जैसे ही क्लिक कर देते हो वहां पे आपको शो हो जाएगा कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को जो है कैसे यूज कर सकते हो, और यहां पे आपको एक्टिव नाव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद में आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट करने होंगे। सबसे पहले आपको पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, उसके बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपको एक OTP जाएगा तो उसको आपको वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद में आप सारे चीजों को जो है थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपका फ्लिपकार्ट जो पे लेटर सर्विस है ना वो बिल्कुल भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, आपका जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा। गाइस, यहां पे आपके पास में iOS है तो यहां पे भी आपको सेम प्रोसीजर है, बट यहां पे फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको करना होगा क्लिक, और यहां पे भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद में पे लेटर सर्विस जो है एक्टिव हो जाएगा। गाइस, यहां पे थोड़ा सा बग चल रहा है, आप एक बार फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्लिक करोगे तो यहां पे आपको प्लस मेंबर होने के लिए बोलेगा, फिर एक बार अगर आप पे लेटर में क्लिक करोगे तो आपके सामने पे लेटर को एक्टिव करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये छोटा सा बग है गाइस, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी आपका फ्लिपकार्ट का पे लेटर जो सर्विस है वो बड़े आराम से एक्टिव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, वीडियो पसंद हो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।